Hello friends, welcome to our YouTube channel Tattva Astro Vastu. This channel gives you insights of astrology, numerology and Vastu Shastra. I am your host Vipin Raya Mehendiratta. Aaj hum cardinal directions mein, north directions ke baare mein baat karenge. So let's begin with today's topic. कार्डिनल डायरेक्शंस आज हम वास्तु शास्त्र की कार्डिनल डायरेक्शंस और उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर इमेजेस की मदद से जानने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज की मदद से नॉर्थ डायरेक्शन और उसके रूलिंग प्लैनेट लॉर्ड और डायरेक्शंस के सिग्निफिकेंस को जानेंगे। इस डायरेक्शन के रूलिंग प्लैनेट मरकरी और लॉर्ड कुबेर हैं। प्लैनेट मरकरी जिसे बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। वास्तुशास्त्र में इस डायरेक्शन को किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी रेजिडेंस या वर्किंग स्पेस की नॉर्थ डायरेक्शन को देखकर वहां पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों की सफलता या असफलता का अंदाज़ा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। इस दिशा से जैविक ऊर्जा जिसे मैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं हमारे घर या वर्किंग स्पेस में आती है। इस दिशा का खुला व हवादार रहना अति आवश्यक है ताकि वहाँ पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों को उस पॉजिटिव एनर्जी का लाभ मिल सके। इस दिशा में किसी भी प्रकार की रुकावट जैसे कि दीवार या अनावश्यक रूप से रखा हुआ भारी सामान इस दिशा से मिलने वाली ऊर्जा में बाधा डालने का कार्य करता है। साथ ही इस दिशा में बिखरा हुआ या अस्त व्यस्त सामान या फैली हुई गंदगी भी ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट पैदा करती है। इस दिशा का कटा हुआ होना घर या ऑफिस का उत्तर दिशा का मिसिंग पार्ट जिसे आप इस इमेज की मदद से समझ सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी में कमी का कारण बनते हैं। किसी भी रेजिडेंस या वर्किंग स्पेस पर नॉर्थ डायरेक्शन में ओपन स्पेस रखना अच्छा होता है। इस दिशा में बनी हुई खिड़कियां और दरवाजे नॉर्थ पोल से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी के सहयोगी के रूप में काम करती हैं। नॉर्थ डायरेक्शन को ज़्यादा हल्का और खुला रखने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपने एक्सिस पर 23.5 का झुका हुआ होना है। इससे उस घर या वर्किंग स्पेस के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने में मदद मिलती है। लॉर्ड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कुबेर को नॉर्थ डायरेक्शन का देव कहा गया है। मतलब स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन में मिलने वाली वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी इस डायरेक्शन से आने वाली फ्लो ऑफ एनर्जी पर निर्भर करती है। नॉर्थ डायरेक्शन का गुण सात्विक और एलिमेंट वाटर माना गया है। क्योंकि उत्तर दिशा का गुण सात्विक और तत्व जल है तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे इस दिशा के सात्विक गुण या जल तत्व को नुकसान होता हो जैसे कि इस दिशा में फायर या अर्थ या फिर दोनों एलिमेंट्स का होना इस दिशा के गुण और तत्व को इम्बैलेंस करता है। साथ ही ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे इस दिशा की पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन होती हो उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के थॉट प्रोसेस में रुकावट का काम करती है। ऐसा होने पर व्यक्ति असमंजस की स्थिति में रहता है और जीवन में आने वाले अवसरों को समय पर नहीं पहचान पाता और इसके चलते कई नए अवसरों का लाभ नहीं ले पाता। नॉर्थ डायरेक्शन में बनी हुई किचन ओवरहेड वाटर टैंक या भारी मात्रा में पड़ा हुआ सामान जिनका उपयोग न होता हो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी के प्रभाव में बाधक बनता है। इस दिशा में टॉयलेट का होना वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन करने का काम करता है। आशा है कि इस वीडियो से आपको नॉर्थ डायरेक्शन को समझने में आसानी रही होगी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ईस्ट डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।